नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति साहू, गवर्नमेंट KH कॉलेज अभनपुर से। आज मैं आपके साथ एकोस्टिकोलेटरल सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जनरली ये सिस्टम एक्वेटिक लोअर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लैम्प्रे, शार्क्स, बोनी फिशेस या फिर एक दो एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। हेड रीजन में जो इनर ईयर पाया जाता है और साथ ही साथ जो लेटरल लाइन ऑर्गन्स पाए जाते हैं स्किन के जस्ट नीचे, वो एक सेंसरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि बाहर वातावरण में एनवायरनमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वह एनिमल के ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस सिस्टम को हम जो है एकोस्टिकोलेटरल सिस्टम कहते हैं। यह रिसेप्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि फिशेस या एम्फीबियंस में अक्सर पाए जाते हैं और हेड टू टेल रीजन पूरे पाया जाता है। अक्सर हेड रीजन में ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न के रूप में पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं पोर्स और कैनाल्स में पाए जाते हैं और ये छोटे से छोटे प्रेशर में चेंज जो आता है सराउंडिंग मीडियम के, उसे ये वाइब्रेशन के रूप में महसूस करता है और सेंस करके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। वर्टिब्रेट्स में जो इनर ईयर पाए जाते हैं वो ऐसा माना जाता है कि लेटरल लाइन सिस्टम के ही से ही इवॉल्व हुए हैं। लेटरल लाइन ऑर्गन्स जो होते हैं वो वाटर प्रेशर के चेंजेस, वाटर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं। वहीं जो इनर ईयर होते हैं वो साउंड और ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। आइए अब देखते हैं लेटरल लाइन सिस्टम की इवोल्यूशन के बारे में। इनमें जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं आइए सिफेलोपॉड्स में। सिफेलोपॉड्स जो होते हैं जैसे कि स्क्विड्स, ऑक्टोपस, कटलफिश, इनमें जो है सिलिएटेड एपिडर्मल सेल्स पाए जाते हैं लाइन्स के रूप में हेड और आर्म्स में, जो कि फिश के लेटरल लाइन सिस्टम के समान ही होते हैं। कटलफिश में ये जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। वहीं स्क्विड में जो है ये मैकेनोरिसेप्टिव सेल्स की तरह कार्य करते हैं। क्रस्टेशियंस में काफ़ी रोचक देखने को मिलता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इनमें पूरे शरीर में इनके शरीर में नहीं पाया जाता मैकेनोसेंसरी सेल्स, बल्कि इनके एंटीना में पाया जाता है। ये एंटीना में रेगुलर इंटरवल्स पे पाए जाते हैं और ये एंटीना जो होते हैं शरीर के पैरेलल पाए जाते हैं। ये बिल्कुल फिश के लेटरल लाइन सिस्टम की तरह ही कार्य करते हैं। मैमल्स में जो होते हैं, आइए देखते हैं मैमल्स में जो एक्वेटिक मैंटीज होते हैं उनके पोस्ट क्रेनियल बॉडी में जो है टेक्टाइल हेयर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मोल रैट्स में पाया जाता है मैकेनोसेंसरी हेयर्स। वैसे ही ये जो अरेंजमेंट है ये फिश के लेटरल सिस्टम, लेटरल लाइन सिस्टम की तरह ही होता है और वैसे ही कार्य करता है। और मेंटिस जो कि जिनमें विजुअल कैपेसिटीज काफ़ी पुअर होती है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इसी तरह से जो हार्बर सील्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोडायनेमिक रिसेप्टर सिस्टम पाया जाता है और फिश के लेटरल लाइन एक सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे कम सेंसिटिव होता है। आइए अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इनर ईयर। क्रेनिएट्स के जो एंसेस्टर्स हैं उनमें जितने भी क्रेनियल सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है, वो उनको माना जाता है कि वो एक रेनेट्स कॉर्डेट्स के मॉलिकुलर और सेलुलर प्रीकर्सर से हुआ है। वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं उनके प्रीकर्सर्स जो हैं, ऐसा माना जाता है कि यूनिसेलुलर एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स जो कि 800 मिलियन ईयर्स पाए जाते थे उनमें 800 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे उनमें भी पाया जाता था। ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं ये इकट्ठे होकर एग्रीगेट होकर ही वर्टिब्रेट ईयर का निर्माण करते हैं क्रेनिएट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो सिलेंट्रेटा में जो है मैकेनोरिसेप्टिव हेयर सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्टेटोलिथ ऑर्गन के रूप में होते हैं और यह ग्रेविटेशनल सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह के स्टेटोसिस्ट ऑर्गन्स जो हैं बहुत से इन्वर्टिब्रेट फाइला में भी देखने को मिलते हैं वेरियस फॉर्म्स में, लेकिन कहीं पर भी यह फॉसिल रिकॉर्ड नहीं स्टेब्लिश हो पाया है अब तक कि इनर ईयर जैसी संरचना या इनर ईयर में पाए जाने वाले सेमी सर्कुलर कैनाल की तरह की संरचना या ऑटोलिथिक ऑर्गन्स जो हैं अर्लियर कॉर्डेट्स में भी पाए जाते थे, ऐसा कहीं भी फॉसिल रिकॉर्ड अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।
सबसे एंशियंट या पुराना एग्जाम्पल जो हमें मिलता है, पुरातत्विक एग्जाम्पल जो हमें मिलता है वर्टिब्रेट इनर ईयर का, वो जो है लेबरिंथ के रूप में मिलता है, जो कि सिलुरियन ऑस्ट्रेकोडम्स के स्कल्स में स्थित होता है। कुछ जो लेबरिंथ्स होते हैं उनमें जो है दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं, वहीं जो मॉडर्न एग्नेथन्स हैं उनमें 5 से 6 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं, वहीं इनके एम्प्यूले भी जो होते हैं वो अनडिवाइडेड होते हैं। सो इट इज ऑल्सो रीजनेबल दैट एन ऑर्गन फॉर पोस्चरल इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग वुड हैव बीन अराइजन इंडिपेंडेंटली इन कॉर्डेट्स। यहीं एकोस्टिकोलेटरलिस्ट हाइपोथेसिस के बारे में भी बताना जिक्र करना जरूरी होगा। ये बहुत वाइड स्प्रेड आइडिया है कि जो इनर ईयर है उनका इवोल्यूशन जो है लेटरल लाइन सिस्टम से ही हुआ है। आइए अब देखते हैं लेटरल लाइन एवं इनर ईयर के बेसिक स्ट्रक्चर। इनके बेसिक स्ट्रक्चर में काफ़ी समानता है, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह हेयर सेल्स का बना हुआ रहता है। तो फंक्शनल यूनिट जो होती है इनर ईयर और लेटरल लाइन सिस्टम की है वह जो है हेयर सेल है। हर हेयर सेल जो है उनमें एक ग्लोबुलर बेसल बॉडी पाई जाती है, जिसके एक छोर पर सीरीज होती है, सिलिया की एक सीरीज पाई जाती है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन सिलिया में से एक सिलिया जो होता है काफ़ी लंबा होता है, जिसे क्लाइनोसिलियम कहा जाता है। क्लाइनोसिलियम जो होता है वह एक जिलेटिनियस डोम में एक्सटेंड करता है, जिसे क्यूपुला कहा जाता है। इस जिलेटिनियस डोम को क्यूपुला कहा जाता है। यह क्यूपुला जो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ पार्शियली एक्सपोज्ड होता है। वहीं जो बेसल बॉडी है उसके ऑपोजिट साइड पर सेंसरी नर्व सेल्स पाए जाते हैं, उनका बंडल पाया जाता है, सेंसरी नर्व्स के बंडल्स पाए जाते हैं। वाटर जो होता है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है वाइब्रेशन का, तो जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, वह जो है क्यूपुला तक के पहुंचता है वो सेंस जो है, और जिसकी वजह से क्यूपुला जो है बैंड होने लगता है। इस क्यूपुला के बैंड होने की वजह से उसके अंदर स्थित क्लाइनोसिलियम भी बैंड होता है। इस क्लाइनोसिलियम के बैंड होने की वजह से उससे लगे हुए जो सिलिया हैं, छोटे सिलिया हैं, वो भी बैंड होते हैं, और ये जो बैंडिंग मोमेंट है यह जो है इलेक्ट्रिकल चेंज को इंड्यूस करता है बेसल बॉडी में। ये इलेक्ट्रिकल चेंज जो है केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो सेंसरी नर्व तक जाते हैं, और सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन तक सेंस पहुंचाते हैं, पहुंचाने के इस स्टिमुलस का सेंस पहुंचाने का काम करते हैं। ऑल दिस कॉम्प्लेक्स मोमेंट एंड केमिकल कोरियोग्राफी इज वेरी हाईली सेंसिटिव, सो दैट द टाइनिस्ट वाइब्रेशन इन द सराउंडिंग वाटर इज ऑल्सो कन्वेड टू द एनिमल। आइए अब देखते हैं लेटरल लाइन सिस्टम का स्ट्रक्चर एवं एनाटॉमी। लेटरल लाइन सिस्टम जो है फिश की बॉडी की दोनों तरफ एक फेंट लाइन के रूप में दिखता है, हेड टू टेल रीजन। ये जो इसका पैटर्न है, ऑर्गेनाइजेशन है लेटरल लाइन सिस्टम का, पेरिफेरल लेटरल लाइन सिस्टम का और लेटरल लाइन कैनाल सिस्टम का, ये जो है काफ़ी डिफर करता है हर फिश पे। इवन अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनमें भी ये डिफर करता है। लेटरल लाइन सिस्टम जो है एक ट्यूब के समान की संरचना रहती है, जिसमें फ्लूइड फील्ड रहता है, म्यूकस फील्ड रहता है। इससे सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, ब्रांच ऑफ होते हैं, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे स्किन में पेनिट्रेट करते हैं। जो भी वाटर में डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट होता है, वह जो है इन छिद्रों के द्वारा, इन जो ओपनिंग्स हैं इनके द्वारा जो है अंदर न्यूरोमस सेल तक के इनका जो है ट्रांसड्यूस किया जाता है, मैसेज ट्रांसड्यूस किया जाता है। जो न्यूरोमस सेल्स हैं वो मैकेनोसेंसरी न्यूरोमस सेल्स होते हैं, ये छिद्रों में पाए जाते हैं, छिद्रों में होते हैं, ये लेटरल लाइन सिस्टम के जो छिद्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये दो तरह से पाए जाते हैं, अगर ये सरफेस पे पाए जाते हैं तो इन्हें जो है फ्री स्टैंडिंग ग्रुप में अगर रहते हैं तो सुपरफिशियल न्यूरोमास्ट कहा जाता है, वहीं अगर ये एम्बेडेड होते हैं कैनाल सिस्टम में, लेटरल लाइन कैनाल सिस्टम में, तो इन्हें जो है कैनाल न्यूरोमास्ट कहा जाता है।
देखिए इसमें हम जो है देख सकते हैं लेटरल लाइन सिस्टम जो है छिद्रों के माध्यम से शरीर में फिश के पूरे बॉडी पे टेल टू हेड रीजन पाया जा रहा है। इन डायग्राम्स के माध्यम से और इन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हेड रीजन में ये एक पैटर्न के रूप में पाया जाता है, वहीं शरीर में पूरी लंबाई में ये पाया जाता है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे जो लेटरल लाइन कैनाल सिस्टम है इससे जो है सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं। सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं स्किन में रेगुलर इंटरवल पे पेनिट्रेट करते हैं। इनमें जो है न्यूरोमास सेल्स पाया जाता है। ये न्यूरोमास सेल्स में जो है आप ये संरचना देख सकते हैं, आप ग्लोबुलर इसका जो है बेसल बॉडी है, वहीं इस बेसल बॉडी से लगा हुआ सेंसरी सेल्स हैं और ऊपर की तरफ जो है क्यूपुला है, क्यूपुला के अंदर जो है सेंसरी हेयर सेल्स पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं लेटरल लाइन सिस्टम का मैकेनिज्म। न्यूरोमास सेल्स जो होते हैं वह खुद जो होते हैं सेंसरी सेल्स के बने हुए होते हैं। इन सेंसरी सेल्स में जो है फाइन हेयर सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं ये सेंसरी हेयर सेल्स जो होते हैं एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे क्यूपुला कहा जाता है उससे एनकैप्सुलेटेड रहते हैं और इनके अंदर जो है हेयर सेल्स पाई जाती हैं। थोड़ा भी वाटर प्रेशर में अगर चेंज होता है तो यह क्यूपुला जो है बैंड होता है और इसके अंदर स्थित हेयर सेल्स बैंड होते हैं। ये जो हेयर सेल्स होते हैं वो वर्टिब्रेट में जो ईयर होते हैं उनमें जिस तरह से फंक्शन करते हैं वैसे ही सिमिलर फंक्शन करते हैं। अगर ये हेयर सेल्स जो हैं वो सॉर्टर सिलिया की तरफ बैंड करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, तो सेंसरी सेल्स जो हैं वो हाइपरपोलराइज हो जाते हैं। वहीं अगर ये सेंसरी सेल्स जो हैं हेयर सेल्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं तो सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो डीपोलराइज्ड हो जाते हैं। जो वाटर में वाइब्रेशंस होते हैं वह ट्रांसमिट किया जाता है लेटरल कैनाल सिस्टम में सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा फ्लूइड में कंप्रेशन और रियरफेक्शन प्रोड्यूस करके। ये जो वाइब्रेशन होते हैं वह जिलेटिनियस डोम्स में जाते हैं, हेयर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं मूवमेंट करने के लिए और फिर जो है मैसेज जो है फिश को तक, फिश के ब्रेन तक जाती है जिससे फिश जो है अलर्ट हो जाता है। इस तरह से फिश के पूरे बॉडी में जो है लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है तो उसके इनर, उसके जो इमीडिएट सराउंडिंग है, उसके आसपास जो सराउंडिंग है उसमें अगर कोई प्रीडेटर या प्रे है तो उसका डायरेक्शनल सेंस भी फिश को मिल जाता है। द वैरायटी इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटरल लाइन पोर्स इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द फंक्शनल पैरामीटर्स जैसे कि रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज, जैसे कि डिस्टेंस रेंज जो होता है सिस्टम का, रिसेप्टिव फील्ड एरिया का, कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर मोशन लाइक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सभी की डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। आइए अब देखते हैं इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर, इनर ईयर का स्ट्रक्चर। इनर ईयर जो होता है वह कार्टिलेजिनियस सैक की तरह संरचना होता है जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। इसके साथ तीन सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनियस ट्यूब्स लगे होते हैं। ये तीनों सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनियस ट्यूब्स जो होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, अलग अलग तीनों जो है तीन ज्योमेट्रिक प्लेन्स पे पाए जाते हैं। इसलिए जो है ये कलेक्टिवली थ्री सेमी सर्कुलर ट्यूब्स जो होते हैं वो थ्री डायमेंशनल प्लेन में जो है ज्योमेट्रिक प्लेन में एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स करने के लिए सेंसिटिविटी जो के बारे में जो है फिश को जानकारी देते हैं। यह ट्यूब जो होता है यह ट्यूब साउंड परसेप्शन के लिए कार्य नहीं करता है। वहीं साउंड परसेप्शन के लिए जो है सेक्यूली लेजिना यूट्रिकल जो है ये तीन सेंसरी एरिया पाए जाते हैं जो कि साउंड परसेप्शन के लिए भी कार्य करते हैं और बॉडी बैलेंस में भी मदद करते हैं। इनके अंदर जो है सेंसरी हेयर सेल्स पाए जाते हैं और उसके ऊपर ऑटोकोनियल मास पाया जाता है। ये जो ऑटोकोनियल मास है या ऑटोलिथ्स जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स के बने होते हैं
जो कि म्यूकोपोलोसैक्राइड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, इनको ही जो है इनर्शियल मास कहा जाता है। ये ऑटोलिथ्स जो होते हैं ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से फिश को ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उसका सर की दिशा कैसी है, अप डाउन राइट साइड या फिर नीचे है, इस बारे में जानकारी फिश को मिलती है। जैसा कि हम बता रहे थे, इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इनमें जो है, देखिए ये वाला जो बीच वाला रीजन है, ये इनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। ये सैक वाला रीजन है, ये जो है सैक वाला रीजन है और इनमें जो है देख सकते हैं आप, ये जो है सैक वाला रीजन है, इसमें सैकुलस और लेजेना रीजन, यूट्रिकुलर रीजन, इनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है पाए जाते हैं। ऑटोलिथ की पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। एम्प्यूली के अंदर देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्प्यूली जो होती है उसके अंदर हेयर सेल्स पाई जाती हैं, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड के मूवमेंट की वजह से हेयर सेल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। आइए अब देखते हैं एकोस्टिकोलेटरल सिस्टम का फंक्शन। लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूलिंग बिहेवियर में, प्रीडेशन में और ओरिएंटेशन में। लेटरल लाइन ऑर्गन्स जो होते हैं वो वाटर प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, वहीं इनर ईयर जो है साउंड और ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब एनिमल मूव करता है तब एफरेंट नर्व फाइबर से जो इम्पल्स हैं वो रिसेप्टर्स को प्रिवेंट करते हैं ताकि वह अपने ही मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्ड ना करें। फिश जो है लेटरल लाइन सिस्टम को जो फ्लिंग प्रे है उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए वर्टिसेस, जो धारा प्रोड्यूस की जा रही है उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। अक्सर जो एम्फीबियन लार्वा होते हैं या फिर जो एडल्ट्स भी पाए जाते हैं एम्फीबियंस, उनमें यह मैकेनो सेंसिटिव रिसेप्टर्स की तरह कार्य करता है। कुछ स्पीसीज में रिसेप्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं लेटरल लाइन के वो मॉडिफाई हो जाते हैं इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स के रूप में, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करने में मदद करते हैं या डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। साक्स और जो रेज होते हैं उनमें जो है न्यूरोमास सेल्स जो है वो इवोल्यूशन हो गया है उनमें, और वो एक नए इलेक्ट्रोरिसेप्टर ऑर्गन का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है, या मॉडिफाई हो गए हैं, मॉडिफाई होकर ये एम्प्यूली ऑफ लॉरेंजिनी नामक ऑर्गन पाया जाता है इनमें। ये जो होता है अक्सर हेड रीजन में पाया जाता है फिश के, और ये माइन्यूट से माइन्यूट इलेक्ट्रिकल स्टिमुली को जो है डिटेक्ट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से फिश जो है मडी वाटर में छुपे हुए जो प्रे हैं या प्रीडेटर्स हैं या दूर कहीं स्थित जो प्रे है या प्रीडेटर हैं उनको डिटेक्ट करने में, उनको फाइंड करने में ये सार्क या रे की मदद करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी है वो माइग्रेशन और ओरिएंटेशन में भी मदद करता है, क्योंकि यह ऑर्गन जो है यह अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो इससे यह कंक्लूड किया जा सकता है कि जो सेंसरी सिस्टम लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम जो है यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। दिस सिस्टम फंक्शंस टू मीडिएट बिहेवियर्स सच एज रियोटैक्सिस, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ वाटर करंट, प्रीडेटर अवॉइडेंस, हाइड्रोडायनेमिक इमेजिंग और इमेजिनेशन ऑफ लोकल ऑब्जेक्ट्स, प्रे डिटेक्शन एंड सोशल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग स्कूलिंग एंड मेटिंग बिहेवियर इन एनिमल्स। थैंक यू।